हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि 24 सितंबर का वीडियो है। सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो क्वेश्चन पूछे उनकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। सब बताऊंगा मैं कैसे आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कई सारे टॉपिक लेके आया हूँ। अभी हाल में मैंने 3 लेसन अपलोड किए हैं, एक ब्लड से है, ब्लड, और एक दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम से, और एक RBC और WBC से। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए जाके, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाइए आप और मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। तो चलो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि एक मैथ का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का भट्टा देता है। पहले एक मैथ का डिस्कस करते हैं, फिर GS के क्वेश्चन करेंगे। तो एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर कितने का भट्टा देता है? 5% का। वह 7% भट्टा दे तो पहले से उसे 30% का लाभ, कम लाभ होता है। क्या होता है? कम लाभ होता है। देखो जैसे कोई घड़ी है, उसने अगर 5% का भट्टा देता है तो कुछ लाभ होता है, लेकिन अगर वो 7% का भट्टा देता है तो उससे कितना लाभ कम हो जाता है? 30 रुपये कम लाभ हो जाता है। क्यों? देखो पहले 5 था, अब 7 हो गया, इसका मतलब 2% कम और उसने कर दिया रेट, 2% और कम कर दिया है। तो देखो x का 2% तुम निकालोगे, x का 2% यानी कि 2% बराबर कितना? 30 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब करोगे सॉल्व तो 1500 आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। या आप ऑप्शन में देख लेना, ये करना कि जो आपका यहाँ पे 30 है, 30 जो 30 बन रहा है, ये देखना किसके 2% के बराबर है, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आता है कि एल्युमिनियम पर क्लोरेट किस काम आता है। थोड़ा यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी नहीं मिल पाया और मुझे ये थोड़ा आंसर इसका भी आ नहीं रहा था, सही से पता नहीं लग पा रहा था इसका आंसर क्या है। इसलिए मैं सोचा क्यों मैं आपको गलत आंसर बता दूँ। क्वेश्चन पता लग गया है काफ़ी, ये क्वेश्चन बताए लोगों ने तो मैंने आपका लिखा, ये बताया है, लेकिन इसका भी आंसर मुझे कन्फर्म नहीं है, तो मैंने आंसर यहाँ पर नहीं बताया है। अगर आंसर कन्फर्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों को कन्फर्म है इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो एग्जाम दे के आया उसे ऑप्शन पता हो सारे, वो या तो ऑप्शन बता दे तो मैं उससे देख के सही से बता दूंगा, और ऑप्शन नहीं पता है अगर आप आंसर जानते तो लिख दीजिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन इसके पता नहीं लग पाए थे तो मैं आंसर भी इसका सही से मुझे पता नहीं था। आएगी कैलकुलेटर खोज किसने की, कैलकुलेटर जो उसकी खोज किसने की, तो किसने की? पास्कल ने, किसने की? पास्कल ने। और अभी मैं इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, मैं नहीं बता नहीं पाया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब आया कि दरवाजों को स्वचालित रूप से, स्वचालित मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं होटल वगैरह में जब आप जाते होंगे तो आप देखा होगा कि जो गेट होते हैं अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप फिर बंद हो जाते हैं गेट, आपने देखा होगा। क्या होता है? गेट इस तरीके से खुलते हैं, इस तरीके से ऐसे खुलते हैं, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना आप, सही थोड़ा, एक इधर से गेट ऐसे बढ़ेगा, एक इधर गेट चला जाएगा, इस तरीके से खुलते हैं, एक इधर एक इधर, तो इस तरीके से गेट खुलते हैं। और कभी जब बंद होते तो एक इधर से आ रहा होगा, एक इधर से ये बंद हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा। तो किस तरीके, किस कारण होते हैं? तो प्रकाश विद्युत सेल से, किससे? प्रकाश विद्युत सेल से। ये किसने बताया था, इसके बारे में किसने खोज की थी? तो एमर्सन ने खोज की थी। किसने? एमर्सन ने। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब और देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे सॉरी एमर्सन नहीं, आइंस्टीन, गलत निकल गया, आइंस्टीन ने खोज की थी। किसने की थी? आइंस्टीन ने खोज की थी इसकी, एमर्सन नहीं, गलत से नहीं, आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। अब आता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म आया इसमें, क्या आया? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। देखो दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपने अगर मेरे वीडियो पिछले देखे होंगे करंट अफेयर के, तो उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये वीडियो मैंने अपने आप लोगों को पढ़ाया था और आपका देखो क्वेश्चन आ भी गया। अब यहाँ पे आया कि किसके जलने से प्रदूषण अधिक होता है। देखो कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे, CNG था, LPG था, डीजल था और कोयला था। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोयला के जलने से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, आपको ये मानना पड़ेगा किसका और सही आंसर, क्योंकि कोयला जलता है तो बहुत धुआं छोड़ता है, इससे प्रदूषण बहुत होता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है इससे, क्योंकि बहुत सारा धुआं और उससे कई सारे मतलब जो उसके तत्व निकलते हैं नुकसानदायक, कई सारे निकलते हैं। अब आता है कि जी का अधिकतम मान कितना होता है, कहाँ पर होता है? जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। जी का अधिकतम मान कहाँ पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर। अब आता है कि 18वें ग्रुप में, जो 18वां ग्रुप है उसमें कौन से तत्व हैं? तो कौन से तत्व हैं? अक्रिय गैस हैं वहाँ पर। कौन सी अक्रिय गैस हैं? अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ज़ेनॉन हो गई, रेडॉन हो गई, ये अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। और देखते क्वेश्चन,
आएगी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा गया था। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक, तो के ई बराबर 1/2 mv² क्या होता है, के ई बराबर जो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, के ई बराबर 1/2 mv², इसको आप कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आता है कि त्वरण की इकाई, त्वरण की इकाई क्या होगी, तो एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होगी। दोस्तों आप लोग एसटी के बारे में कहते हैं, कई सारे लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा एसटी के बारे में भी बताएंगे क्या। देखो एसटी में जो लेके आया था फ्री में, उसमें कई सारे खर्चे आ रहे हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल लोग हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जैसे मैथ है, रीजनिंग है, उनके स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो लोग रुपए की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं रुपए दीजिए तभी मैं एसटी बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा क्या है, मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो क्या है वो लोग रुपए मांग रहे हैं, क्योंकि क्या है देखो ऐसे तो एसटी हम किसी से बनवा लें उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे पेपर को, ग्रुप डी के जो एग्जाम जो आए हैं मैं उन्हें दिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तब वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि देखेंगे अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपका एसटी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब सबसे कम रुपए बता रहा हूँ, 10 रुपए में एक एसटी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, 10 रुपए में एक एसटी, जो कि सबसे सस्ती है पूरे भारत में, कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी सस्ती, अगर मिले तो मुझे आप मैसेज करके जरूर बताना। आता है कि पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, पित्ताशय से, कहाँ सर, पित्ताशय से होता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये आया था कि जैसे यहाँ पे 17 सितंबर 1982 को कौन सा दिन होगा, 17 सितंबर 1982 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, कौन सा होगा, शुक्रवार, ये जब आप निकालेंगे तो शुक्रवार आएगा। अगर मैं ये सब सॉल्व वॉल्व करने लगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जानना होते हैं। अब आएगी डीप का, अगर 16 हीट का क्या होगा, डीप का अगर 16 लिखना है तो हीट का क्या होगा, तो इसकी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या होता है वो ट्रिक कोई वो तो है नहीं, थोड़ा पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे डीप है, तो डीप के जो ये वर्ड बने हैं इनके क्रमांक लिख दीजिए, डी कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे, जैसे डी है 4थे नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, 6, एफ 6th नंबर पे आता है, जब इसे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 16 जोड़ बन जाएगा। इसी प्रकार इसके अक्षरों को जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा। अब आता है कि अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, जो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, एल्बुमिन, कौन सा, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, जो अंडे में पाया जाता है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, अभी मैं नाम बताऊंगा आप लोगों को जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का जवाब दिया था, और फिर एक क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का, जो बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत हाई टेम्परेचर का होता है, जल्दी गलता नहीं है, अगर लोहे का बना देंगे तो तुरंत गल जाएगा, और किसी का बनाएंगे तुरंत गल जाएगा। गैल्वोमीटर का कार्य क्या है, क्या कार्य है, परपथ में धारा की उपस्थिति का पता करना, क्या, परपथ में धारा की उपस्थिति का पता करना होता है। और अगर आप अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेड कलर की बटन दिख रही होगी उसे आप सब्सक्राइब कर लें, बटन पर क्लिक करें तो वो धुंधली हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो रेड कलर की दिख रही होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा कोई भी नया वीडियो मैं डालूंगा तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है, Fe2O3 XH2O, Fe2O3 XH2O होता है जो जंग होता है उसका सूत्र। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, जो आवृत्ति होती है तो यूनिट की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो हर्ट्ज होती है, क्या होती है, हर्ट्ज, क्या होती है, हर्ट्ज होती है उसकी इकाई। अब दोस्तों देखो मैं एक क्वेश्चन जो मैंने किया था पिछला पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था, उसके कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, अब हम देखते हैं कितने लोगों ने उसके सही जवाब दिए और कैसे, मतलब उन लोगों में नाम बताता हूँ, सबसे पहले जिन लोगों ने जवाब दिए थे उन्हीं लोगों को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये था, मैंने पूछा था जिस प्रकार विद्यार्थी स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्कूल से संबंधित हैं उसी प्रकार लाइब्रेरी किससे संबंध होगी, लाइब्रेरी किससे संबंधित होगी, जिस प्रकार स्टूडेंट स्कूल से उसी प्रकार लाइब्रेरी किससे संबंधित होगी। देखो स्कूल में कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लाइब्रेरी में कौन होती है, कौन होती है, पुस्तकें होती हैं, मैंने हिंदी में कहा था छात्र, दो जैसे विद्यालय से संबंधित है तो पुस्तक किससे होगी, पुस्तकालय से, पुस्तकालय से पुस्तक, तो पुस्तक आंसर सही था, बहरहाल ये था मेरे क्वेश्चन का आंसर, पुस्तक था सही। तो देखो सबसे पहले किसने जवाब दिया, सुभाष ने दिया, किसने, सुभाष ने, रवि केश ने दिया, KKS चौहान ने दिया, गुरमीत ने दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट तो उनका गलत था खैर। अब देखो यहाँ पे राहुल कुमार ने दिया, जो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा, जिनका स्टूडेंट है वो गलत है, और AK चौधरी कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन भेजे हैं देखिए, अच्छा देख लेंगे, और RJ रोशन ने दिया, रवि केश ने दिया,
ये क्वेश्चन लोगों ने इसके जवाब दिए थे, जो आंसर सही थे बुक वाले इन्होंने बताए थे, वो आंसर इनके सही थे। अब आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आज का प्रश्न ये है कि सजीव जानवर और पुस्तक में क्या संबंध बनेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सजीव जानवर और पुस्तक में, एक ए ऑप्शन में ये है, तीनों अलग अलग हैं, बी में है इस तरीके से, सी में है इस तरीके से, और डी में है इस तरीके से। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी या सी या डी। सजीव जानवर और पुस्तक में क्या संबंध होगा, आपको बताना है आंसर। देखते कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अब मैं शाम को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो मुझे दोस्तों ने भी भेजे हैं काफ़ी, आप जैसे लोगों ने, मित्रों ने, वो भी क्वेश्चन होंगे जो मैं सिर्फ खुद जाता हूँ वहाँ पे इकट्ठे करता हूँ, वो क्वेश्चन होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिससे आपको कहीं भी और जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको आराम से तैयारी में करवा दूंगा बस। और कहीं भी आपको जाने मतलब परेशानी नहीं करनी है, परेशानी नहीं उठानी है, परेशानी मैं उठाऊंगा आप लोगों के लिए, मैं इकट्ठे करूंगा क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन देखिएगा, एक घंटी की तरह की आकार बनी दिखेगी आपको, उस पर आपको क्लिक करना है, एक घंटी की तरीके से ऐसा दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करिए, मुझसे जुड़ जाइए, कोई भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कम से कम 2 ग्रुप में जरूर शेयर करें इस वीडियो को, 2 ग्रुप में शेयर जरूर करें, अगर 3 ग्रुप में कर देते तो और अच्छा रहेगा, और लाइक करें इस वीडियो को, इतनी मेहनत से मैं बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कोर्स हेल्पफुल रहा होगा, आपको यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा उसे भी देखिए। जय हिंद, जय भारत।